एक बात कहूं, लड़कियां एक नंबर की घटिया नहीं होती, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी कमीनी निकल जाती हैं। अब नमक ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, हम क्या करें। लेकिन आज मैं आपको यही ज्ञान देने वाला हूं कि कौन कौन सी लड़कियों से आपको जिंदगी भर दूर रहना है। अगर आप इन लड़कियों के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे, आपका ऐसा कटेगा कि कभी जोड़ नहीं पाओगे। तो अगर चाहते हो अपना ना कटवाना और चाहते हो लड़कियों के मामले में बहुत आगे जाना तो को एंड तक जरूर देख कर जाना। शायरियां बन रही है भाई, मजा आ गया। शायरी के लिए लाइक कर दो यार। मैं आज आपको टोटल 5 टाइप्स ऑफ गर्ल्स बताऊंगा जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लड़कियां पैदा ही होती हैं लड़कों का चूतिया काटने के लिए, लेकिन हम हैं एडवांस, आपके पास है लव जेम्स जो कि आपका चूतिया नहीं कटने देगा। तो कैसी कैसी लड़कियां बढ़ गई हैं मार्केट में, क्या क्या आ गई हैं उनमें गुण, सब मैं आपको बताने वाला हूं, उनके सारे पैंतरे बताने वाला हूं, लड़कियों की वॉट लग जाएगी। सबसे पहली लड़कियां होती हैं टाइप जो है वो है मक्खन लगाओ फिर चूना लगाओ। ये लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, बड़ा इनको पता होता है कि मक्खन कैसे लगाते हैं, और एक बार जब मक्खन लगा दो तो उसके बाद चूना कैसे लगाते हैं। जी हां, मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो कि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती हैं, जो कि सच में अच्छी होती हैं। इनके पास या तो बहुत अच्छे लुक्स होते हैं, सेकेंड इनके पास या तो ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसपे आप फिदा हो जाओगे, यानी कि लुक्स नहीं भी है तब भी लड़की है भाई। लड़की लुक्स हो ना हो, लड़की तो लड़की है, लड़के तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और थर्ड इनके पास होता है बाप का अंधा पैसा, जिसको ये यूज नहीं करती। ये यूज़ किसको करती हैं, अपने बॉयफ्रेंड को यूज़ करती हैं। बाप के पास बहुत पैसा है, उसको कतई यूज़ ना करेंगी। बॉयफ्रेंड से पूरे आईफोन दिलवा लो, बॉयफ्रेंड से साला रेस्टों के खर्चे वर्चे करवा लो, सब कुछ बॉयफ्रेंड पे थोप दो, बॉयफ्रेंड को बाप बना लो, एक काम करो तुम तो है। तो ये ऐसी लड़कियां होती हैं, पहले मक्खन लगाती हैं, पहले आपको हिंट्स देंगी, दिखने में अच्छी होती हैं, आप पागल हो जाओगे भाई या क्या अबे लड़की ने खुद भाव दिया, अबे तेरे दोस्त भी बोलेंगे अबे भाई लड़की भाव दे रही है जाके पटा यार। तुम उसके पीछे पड़ोगे, लड़की थोड़ा भाव कम कर देगी, तुम पागल हो जाओगे साला ये क्या हुआ। जैसे ही तुम उसका पीछा छोड़ोगे वैसे ही लड़की तुम्हें दोबारा भाव देने लगेगी। इनका सबसे बड़ा पैतरा यही होता है। आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम लड़के हैं भाई, क्या करें, ऊपर से नहीं नीचे से सोचते हैं, बीचों से दो वो गोटे होते हैं उनके बीच से सोचते हैं, क्या करते हैं हम उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं। हवस, लड़की अच्छी भी है, उसके पीछे पड़ते हैं, लड़की कैसे मैसे करके उसके हम तलवे वलवे चाट के बन जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसके बाद लड़की हमें पट्टी पढ़ाना शुरू करती है, उसके बाद लड़की हमसे पैसे खर्च करवाती है बाप के पास, उसके पास चाहे कितना ही पैसा हो लेकिन पैसे हमारे ही चूसेगी। पैसे की बात की थी मैंने, तो लड़की खूब पैसे हमारे लेती हैं, खूब हमें नंगा कर देती हैं भाई, ऊपर से नीचे नंगा कर देती हैं, चड्डी तक नहीं छोड़ती। फिर ऐसी लड़कियों के साथ बिकने के बाद हमें समझ में आता है साला हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो कट गया। अब इसके बाद लड़की टिक जाए तो भी अच्छा होता है, लेकिन लड़की टिकती नहीं है क्योंकि हमारे जैसे उसके पास बहुत सारे हैं। अगली बार जब भी कोई नया मुर्गा हाथ लगता है जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है तो लड़की उसके पास चली जाती है। इन लड़कियों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये लड़कियां हमेशा ब्रांड्स की बातें करती हैं, ये ब्रांड वो ब्रांड ऐसा ब्रांड वैसा ब्रांड, और ये हमेशा बंतू टाइप की होती हैं जो अपने आप को थोड़ा प्रिटेंड करती है, प्रिटेंशियस होती हैं। कैसे कि अपने एक्सेंट को थोड़ा यू नो, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ ना यार, तो ऐसा होता है जैसे कि अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना तो मैं थोड़ा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं काफ़ी कूल हूँ। तो ये लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, इनसे आपको दूर रहना भाई, ये बहुत बकचोद होती हैं, जो अपने अपने बोलने के स्टाइल को फेक कर लें, जो अपने रहने सहने को फेक कर लें, जो हमेशा ब्रांड्स में बातें करें, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें फेंकें, हैं कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी फेंकती हैं और आपको लूट लेती हैं। और शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जाने लड़कियां कौन होती हैं तो ये होती हैं गोल्ड डिगर्स। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड लड़कियां होती हैं सास बहू वाली लड़कियां। आपने वो देखी है जो सास बहू में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि जो ना बहुत कमीनी होती है, वो विलन का रोल करती है, जैसे कमोलिका हुआ करती थी, जैसे उनका ना म्यूजिक विलन वाला आ जाता है, समझ जाओगे कि पक्का विलन है, बड़ी कमीनी औरत है। ये लड़कियां भी बड़ी कमीनी होती हैं, ये ड्रामा क्वीन होती हैं, इनको ड्रामा पसंद होता है, इनको बस बातें बनवा लो, ड्रामा करवा लो, छोटी सी बात को बड़ा करवा लो, बड़ी सी बात को बहुत बड़ा करवा लो, आपकी मरवा लो, ये सब काम कर लेती हैं एक ही बार में। ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होती हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि जहाँ अटेंशन मिलेगा वहाँ ये लड़कियाँ जाती हैं। कौन सी वाली? सास बहू टाइप्स वाली। इन लड़कियों को एक चीज़ का बुखार चढ़ा हुआ होता है कि मुझे अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनना है। इन लड़कियों की पहचान क्या हो जाएगी? ये बोलती रहेंगी कि यार इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स आए हैं यार, इतने फॉलोअर्स आए, मैं क्या करूँ यार, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग यार, मैं कैसे मैनेज करूँ, यू नो एन अदर डे आई वॉज गोइंग देयर एंड देन आई फाउंड। ये ऐसी ऐसी बकचोदियाँ पेलती रहती हैं, होता कुछ नहीं, घर में ना पोछा लगा रही होती है, रगड़ रही होती है जमीन को, बातें बड़ी बड़ी पिलवा लो इनसे, तो इनसे थोड़ा आपको बच के रहना है। होता क्या है कि ना, जब अगर आप इनको अटेंशन दोगे तो ये आपके पीछे पड़ती हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा अगर कोई और अटेंशन देगा तो उसके पास चली जाती हैं। मुसीबत ये नहीं कि वो बंदी पट्टी नहीं, मुसीबत तब स्टार्ट होती है जब ये बंदी बन जाती हैं, क्योंकि इसके बाद हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप पूरी लाइफ, पूरी रिलेशनशिप वाला दौर ना
इनसिक्योरिटीज में निकाल दोगे। आप बोलोगे यार उससे क्यों बात कर रही थी, बोलेंगी बात ही तो कर रही थी, कम ऑन मैन यू आर सो इनसिक्योर मैन कम ऑन, ऐसी ऐसी बातें करेंगी। अब ठीक है हम इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है शक करें ठीक है, लेकिन साला वो शक सही होता है, हमें किसी और के मुंह से सुनने को मिलता है कि इन दोनों की तो बातें ही अलग लेवल की हो रही हैं, क्योंकि ये लड़कियां हमेशा उस तरफ जाती हैं जहां इनको अटेंशन ज्यादा मिलता है। एक इंसान हर वक्त ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकता, हमारा कभी मूड ऑफ भी होगा, कभी हमारा बात करने का मन नहीं भी होगा, लेकिन तब ये लड़कियां आपको छोड़कर किसी और से बात कर रही होती हैं, किसी और से अटेंशन ले रही होती हैं। तो ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रहो, जो कि हमेशा यू नो ब्रांड में, जो कि हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपना बूम मचाना चाहती हैं, जो कि हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इन दोनों ही लड़कियों से आपको दूर रहना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ लड़कियां होती हैं ओ बेचारी, या ओ ये वाली लड़कियां, ये हमेशा अपने आप को बेचारी बना के रखती हैं, बहुत बेचारी होती हैं, सीधी सादी होती हैं। इनकी इमेज ऐसी होती है कि अगर आप किसी को ये भी बोल दोगे ना उनके दोस्तों में कि लड़की कमीने, तो आपको थप्पड़ ऊपर लग जाएंगे, क्योंकि ये लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। ये सीधी बस दिखाती हैं, लेकिन एक इंसान को ही पता होता है कि ये कितनी कमीने और कितनी एक नंबर की प्यारी हैं, अच्छी हैं। इनको हम कहते हैं विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड खेलती हैं, अपने आप को हमेशा विक्टिम बनाती हैं, रोने धोने का नाटक करना, अपने आप को विक्टिम बनाना, अपने आप को हमेशा बेचारी बना देना इनका सबसे बढ़िया काम होता है, सब बिल्कुल परफेक्ट होती हैं इस चीज़ में। इनकी क्या क्या निशानी होती है कि जब भी आप इनसे बात करोगे ना तो फालतू की ओवर एक्टिंग करेंगी, ये बोलेंगी यार मेरे साथ ऐसा हो गया, पता है यार मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इनकी तो मुसीबत सुनोगे तो साला कुछ मुसीबत ही नहीं है, ये अपने आप को हमेशा बेचारी बनाती रहती हैं, ये हमेशा अपने आप को विक्टिम बनाती रहती हैं। अगर आप इनको छोटी सी बात भी कह दोगे तो इनको चुभ जाएगी, उसके लिए फिर ये नाराज़ हो जाएंगी, बोलेंगी यार तूने मेरे को इतनी बड़ी बात कह दी, सच में तेरे को सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हूँ। ये खुद कितना ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटा सा भी मजाक करोगे तो आपकी माँ बहन कर देंगी, है ना, एक कर देंगी। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। जो लड़कियाँ ओवर इमोशनल होती हैं भाई, हद से ज़्यादा इमोशनल होती हैं छोटी छोटी बातों पर ना भाई, ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देंगे कि तुम पागल हो जाओगे। छोटी सी बात नाराज हो जाना, बखेड़ा खड़ा कर देना, रोना धोना, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथे टाइप की लड़कियां होती हैं आओ सनम और जाओ सनम, यानी कि सबको मौका मिलता है खेलने का, भोग लगाने का, ये सबको दर्शन देती हैं। इनका काम पता है क्या होता है कि ये सीधे ही पहले आपसे बोल देंगी कि देखो ऐसा है कि मैं रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना चाहती, आई एम जस्ट हियर फॉर फन, है ना, मैं थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहती हूँ, फन लेना चाहती हूँ, डोंट गेट टू सीरियस। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ इंसान की सच्चाई क्या होती है। लड़का हमेशा कहता रहता है कि काश कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो कि बस भाई सेक्स के लिए मिल जाए, मुझे सीरियस होना ही नहीं है ब्रो। और लड़कियां क्या कहती हैं कि यार काश कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे मैं सीरियसली प्यार कर सकूं, जिससे मैं शादी कर सकूं, जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो। लेकिन हकीकत पता है क्या है, जस्ट उल्टी है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्या है, लड़कियां हमेशा चाहती हैं कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे थोड़ा मोड़ा टाइम पास होता रहे, जब मर्जी उसको छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं। सबकी बात नहीं करा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लेकिन आज ऐसी ही हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन से ज्यादा हैं। प्रैक्टिकली देखना, गाली मत देना मेरे को। और दूसरा, लड़के पता है कैसे होते हैं, प्यार कर लेते हैं। तुम कितना ही कह लो कि सामने वाली लड़की कहीं भी जाए कुछ भी करे, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। लड़कों के अंदर ऐसी चीज होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन लड़के चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। लड़कों में एक मेंटेलिटी होती है कि मेरी है तो बस मेरी है, चाहे गर्लफ्रेंड नहीं भी, अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो बस मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। इसको एक बहुत अच्छा और प्यारा वर्ड दिया गया है, मेल ईगो। मेल ईगो से खतरनाक कोई चीज नहीं होती। लड़कियों होंगी भाई, लड़कियों में कतई खतरनाक क्वालिटीज, लेकिन जो लड़कों का मेल ईगो होता है ना, उसके सामने दुनिया झुक जाती है। तो जो ईगो होता है, आपको हमेशा ये चीज से बचना चाहिए, ईगो आपको कभी भी ये काम नहीं करने देगा, है ना। कि लड़कियां ऐसी होंगी, ये लड़कियां क्या होती हैं, हम इस पर बात कर रहे थे, तो लड़कियां कैसी होती हैं कि सबके साथ, है ना, संबंध बनाती रहती हैं, खुला कहती हैं कि यार मैं बस फन के लिए हूं, मेरे को बस मस्ती चाहिए। अब ऐसे में अगर आपको भी मस्ती चाहिए तो भाई, अब मियां बीबी राजी हैं तो काजी क्या करेगा, मेरा कोई रोल नहीं है, आप जाओ एंजॉय करो, मजे करो। लेकिन पहले सावधान कर दूं, अगर आप फटी में जीते और आपको चाहिए ऐसी लड़की जो सीरियस रहे, तो ऐसी लड़कियों के पीछे मत जाना, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि इन लड़कियों के साथ रह के तुम्हें आदत लगेगी, तुम्हें प्यार होगा, इन लड़कियों को घंटा कुछ नहीं होने वाला, ये लड़कियां तुम्हारे साथ साथ चार और से बातें करेंगी और तुम्हारे फिर फटेगी। तो ऐसी लड़कियों से दूर। इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि इनके पास होता है एक बहुत प्यारा पिल्ला, जिसको हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, है ना। इसको हम एक और स्पेशल हैशटैग से जानते हैं, हैशटैग BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है जिसने आज तक इस लड़की को कभी ना पटाया है और ना पटा सकता है, क्योंकि लड़की को टाइम पास चाहिए, लड़की उसका कुछ ना कुछ देती रहती है। अब लड़का इतना चूतिया होता है कि वो सोचता है कि यार
ठीक है ना, आज नहीं तो कल पटेगी ना, पटेगी ना। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि लड़कों को ये कह के रखती हैं अभी नहीं, आ फ्यूचर में देखेंगे। तो लड़का इसलिए चुतिया पे करता है कि फ्यूचर में मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि इनके पास होता है बेस्ट फ्रेंड जिसकी अपनी सारी बातें बताती हैं। तुम इसको क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, इनको सारी बातें बताएंगी, एक्सेप्ट वो वाली बातें। वो नहीं बताएंगी आपकी सारी कमियां, आप कैसे इनको छेड़ रहे हो, आप इनके साथ क्या कर रहे हो, सब कुछ अपने बॉयफ्रेंड को बताएंगी, बेस्ट फ्रेंड वाले बॉयफ्रेंड को बताएंगी। बॉयफ्रेंड नहीं होता लेकिन सारा लगभग बॉयफ्रेंड होता है क्योंकि सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमेशा उस लड़की से दूर रहना जिसके पास एक पिल्ला हो और जो आपके साथ साथ बाकी लड़कों के साथ भी वो ज़्यादा फ्रैंक होती रहती हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अगेन आप जा सकते हो, बट पर्सनली मैं यही सुझाव दूंगा, मेरे मित्र मत पढ़ना इस चक्कर में, आपका मेल ईगो आपको ख़त्म कर देगा। अब मैं आपको बताने जा एक बोनस टेप जो कि बहुत खास होने वाली है, ध्यान से सुनना, कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड़के से नहीं पढ़ती, और वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड़के पता है कौन से होते हैं, जो कि लव जेम्स की वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और लाइक किए बिना ही निकल लेते हैं। तो अगर आपने यहां तक देखा है तो लाइक कर दो, फिर कोई फायदा नहीं है ना, इतनी सारी नॉलेज ले ली, दक्षिणा भी नहीं दोगे, गुरु को चूना लगा दोगे, सबसे बड़ी चूना तो तुम ही लगाते हो मक्खन लगा के। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो जो मैंने लड़कियां बताई है ना, इन लड़कियों से हमेशा दूर रहना। काफी मुश्किल से मिलेंगी अच्छी लड़कियां, लेकिन मिलेंगी ना तो हमेशा जिंदगी भर आपका हाथ पकड़ के रखेंगी, ठीक है।